जीतू हत्या के मामले में परिजनों का आरोप, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के झंझारपुर में 6 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल परिवार वालों ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके के झंझारपुर में 6 दिन पहले जीतू नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक युवक के परिवार वालों ने सिविल लाइन पुलिस को तहरीर देकर हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी सिविल लाइन पुलिस ने उनके द्वारा दी गई शिकायत, जिसमें उन्होंने बताया है कि रोहन, मनीष और उनके कुछ साथियों ने मिलकर जीतू की हत्या की है। वहीं इस घटना को लेकर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया है और ना ही किसी हत्या रोपी की गिरफ्तारी की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा रूपा। कहाँ रहती है? मैं काशीराम सोनकपुर। क्या हुआ है, क्या मामला? 3 दिन पहले उसका झगड़ा हुआ, खोपड़ा फाड़ दिया था उसका। किसका? कौन? मेरे लड़के का। उनने अपने नाम यहाँ चौकी में आया, झांझनपुर चौकी में उनने रिपोर्ट लिखवाई, उनने अपना मेडिकल भी कराया। दरोगा जी से कई मुझे धमकी दे रहे हैं मानने की। दरोगा जी ने ये कह दी, ऐसा तो कह मैं ही है, मान नहीं देगा कोई। मैं भी आई, मिससे भी ऐसी कह दी। 3 दिन के बाद मेरा लड़का मार दिया जान से। मेरा लड़का 3 दिन के बाद मार दिया जान से। कौन लोग हैं वो जिन्होंने मार? क्या क्या के रहने वाले हैं? मुझे झांझनपुर में रहते हैं। क्यों मारपीट हुई थी तुम्हारे लड़के से? ये मुझे पता नहीं क्यों हुई थी। जब आया घर को तो लथपथ खून में लग रहा था। मैं भी गई झांझनपुर चौकी में, मेरे से भी कह दी तुम जाओ हम पकड़ लेंगे। आज तक कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया? किसी को भी? बाप को करा था, छोड़ दिया। उन लड़कों को कोई गिरफ्तार ना हुए वो लड़के। तो आपको लगा क्या धमकी उनकी दे रहा? हाँ, धमकी दी, रिपोर्ट ले लेना तुझे जान से मार देंगे। जहाँ 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर तुझे मार देंगे जान से। 3 दिन के बाद उसने मार दिया लड़के को, मेरे को जान से। पुलिस ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा? कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा उनके खिलाफ। क्या कहती पुलिस आपसे? मुझे भी लौटा दिया, तुम घर जाओ हम पकड़ लेंगे। आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं। जैसा हमारा लड़का हुआ ऐसे ही हमें मिलना चाहिए इंसाफ। गोविंदा। गोविंदा। गोविंदा कौन थे आपके? वो साले थे मेरे। साले थे जी। क्या हुआ था उनका? सर मर्डर हो गया था। 3-4 दिन से लड़ाई, मतलब उनकी 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी। उन लोगों ने धमकी दी थी ख़त्म करने की, फिर उनका मर्डर। ये हर लोग झांझनपुर के। क्या क्या नाम है? रोहन, मनीष। फिर उन लोगों ने मर्डर करके लाइनों किनारे डाल दिया गया रात को 29 तारीख को जी। फिर पुलिस के पास शिकायत दी थी आपने? सर पुलिस के पास गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से कहीं तक भी। कौन थाने का थाना लगता आपका? थाना मंझोला लगता है। अप्लीकेशन यहाँ झांझनपुर चौकी में दी थी, हरतले में, सिविल लाइन्स में भी दी है। सब इंसाफ चाहते हैं। सब चाहते हो जी। अच्छा, कौन मतलब कौन लोग कहाँ के हैं? वो लोग हरतले के हैं सर। हरतले के गांव के ही थोड़े से। जी जी। क्या चाहते हैं आप लोग? साफ इंसाफ ही चाहते हैं बस, उनको सजा मिले। और क्या पुलिस क्या कह रही है आपसे शिकायत करते हैं? सब पुलिस कहीं कहीं भेजती, कभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिन होगा लगभग? 1 हफ्ता हो गया, 29 तारीख का है। जी जी। अभी तक कोई जवाब मिला नहीं। क्या करते हैं लड़के? क्या करते हैं? कौन से जो जिन्होंने मर्डर किया? कौन है वो? साहब वो सब नशेड़ी हैं भाई, ये उल्टे सीधे काम करते हैं वो। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।